और पोस्टर वार 15 साल देख चुका हूं उनका। अब आप जान ही रहे हैं ये दोनों लूट करके पैसा और आयवास करने की राजनीति, इन दोनों का कोई मीनिंग है? 15 साल 30 साल हमरा भी यहाँ में तू नटवा, तोरा भी यहाँ में हम नटवा, मतलब ये दोनों की, ये दोनों खेल रहे हैं अमित शाह जी और बीजेपी के गोद में दोनों आए। चोर चोर मौसेरा भाई, कोई मतलब नहीं पब्लिक से, कॉमन लोगों से। पॉलिटिक्स की गेम, गंदा गेम खेलना है। ना नीतीश को पानी से मतलब, ना विपक्ष को पानी में मतलब, ना नीतीश को चिंकी में मतलब, ना विपक्ष को चिंकी में मतलब, ना नीतीश को प्यास से मतलब, ना विपक्ष को प्यास से मतलब, ना नीतीश को बिहार। नीतीश जी तो सठिया गए, बड़ा विचित्र उन्होंने कह दिया कि बिहार जैसा विकास करेंगे, और तो करिए ना, कट्टा उट्टा तो बिहार जैसा चलिए गया, अपराध और माफियाओं को बिहार की तरह विकास तो करेंगे। अरे नीतीश कुमार, एक रोजगार नहीं, 1.2% पूंजी निवेश नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, 20,000 करोड़ लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर, मजदूरी पलायन करता है बाहर, एक अस्पताल और एजुकेशन नहीं। 15 सालों में जिस पटना की धरती पर 20 लाख लोग 21 दिन खाना के लिए तरस गया दूध के लिए, बिहार की राजधानी में, वो बिहार के विकास की बात करते हो, और पोस्टर वार 15 साल देख चुका है उनका। अब आप जान ही रहे हैं ये दोनों लूट करके पैसा और आयवास करने की राजनीति, इन दोनों का कोई मीनिंग है? 15 साल 30 साल हमरा भी यहाँ में तू नटवा, तोरा भी यहाँ में हम नटवा, मतलब ये दोनों की, ये दोनों खेल रहे हैं अमित शाह जी और बीजेपी के गोद में दोनों आए। चलिए आप ऐसे ना ऐसे, अब सीए में जो आपने धर्म के आधार पर आप बात कर रहे हो उसको हटाओ, फिलहाल नहीं, कौन भरोसा करेगा इन लोगों पर? अब हिंदू मुसलमान 8 तारीख के बाद शिफ्ट कर जाएगा बिहार में, अभी दिल्ली में शिफ्ट किया हुआ है, बचाओ। इतना नफरत, इतनी गाली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और दिल्ली के देश की राजधानी में इस तरह का कट्टा, इस तरह का बवाल, इस तरह का उदंडता, जहाँ आम लोग, कॉमन लोग जीना चाहते हैं वहाँ मुस्कुराने, ये हालात नहीं थे। तो 8 तारीख तक इन लोगों को जितना नंगा खेल खेलना है खेल लिए। पहले आप आधार कार्ड को मानो किसी भी कीमत पर, दूसरा आप धर्म के आधार पर आप करिए ना नागरिकता, आर्टिकल 14 सबको कहता है। अब लाइए ना अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित महिला है, अब लाइए ना मधेसी और म्यांमार में जो प्रताड़ित लोग हैं, बस आइए। जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करके बांग्लादेश में जा करके कहा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, मेरे देश आइए, मैं आपको वहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान दूँ, अब लाइए कहिए। तो आपको कोमल लोगों से मतलब नहीं है, आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको हिंदू सम्राट बनना है, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सीधा कहा था, छद्म हिंदुज़म, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो तो समझना दलित, अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक राजनीति पर हमला हो चुका है। राजनीतिक रूप से दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को कमजोर करने के लिए तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना होती रहती है मनुवादियों के द्वारा। इनका तो 1 इलेक्ट्रॉल की ओर जा रहा है ताकि दलित का वोट ना पड़े। कल तो ये कह देगा जो निरक्षर लोग हैं वोट ना दो, 28% निरक्षर लोग कौन है, 63% महिलाओं में निरक्षर कौन है? कल तो ये भी कानून ले आएगा ये कि जो 12th क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वोट की राइट उसी को होगा, और जो कंप्लीट निरक्षर है वोटिंग राइट नहीं होगा। तब तो गए, जिसका इतिहास है मूलवासी, आदिवासी, दलित, गरीब, कमजोरों का, तो गए राजनीतिक रूप से, तो आपने वार कर दिया उस पर। अरे विदुर के इतिहास और चंद्रगुप्त के इतिहास को देखो ना, तो इसीलिए इनके लिखित आश्वासन ही लव लेटर है। क्या वैल्यू उसके लव लेटर का, कब ये दूसरा एजेंडा ले आएगा, कहाँ से घुमा लेगा, कौन भरोसा करेगा इन लोगों के लिखित आश्वासन पे? चलिए लिखित को आपने लव, मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो गणेश को भी दूध पिला के भंगो
प्रोपगंडा मास्टर है बीजेपी को भगवान से क्या मतलब, भगवान को तो बेचते हैं ये लोग, भगवान तो वाल्मीकि, पहले संविधान पढ़ ले बीजेपी वाला, हम तो चाहते हैं संविधान पढ़ावे बीजेपी वाले को, भगवान ने तो इक्वल किया नहीं देश में हमारे अधिकार को, भगवान ने तो हमें न्याय दिया नहीं, भगवान ने तो हमें जीने का रास्ता दिया नहीं, हमको तो जीने का रास्ता मेरा संविधान दिया। आज यदि दलितों और कमजोरों के मुंह में आवाज़ है, ये भगवानों ने नहीं दिया, ये संविधान ने दिया। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को, अपेरियार को, महात्मा फुले को पढ़ेंगे, हम तो नानक बुद्ध को पढ़ेंगे जहाँ पर जीने के रास्ते दिए हैं, हम तो मोहम्मद को पढ़ेंगे, हम तो शिव को, कृष्ण को पढ़ेंगे। एक क्रिएटर है। अब साइंस का विद्यार्थी हनुमान जी के मंदिर पर जा करके लड्डू चढ़ाएगा तो वो कैसा साइंस का विद्यार्थी है भगवान जाने। हनुमान जी भगवान हो सकते हैं या नहीं हो सकते वो मुद्दा अलग है, मानो तो देव न तो पत्थर। एक डॉक्टर कोई छींकता है और गाड़ी रोक दे तो मैं समझता हूँ वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है। एक डॉक्टर जा रहा है, साइंस का विद्यार्थी जा रहा है, बिल्ली काटता है और गाड़ी रोक दे तो मैं समझता हूँ वो साइंस ने को नहीं समझा। अध्यात्म विज्ञान जहाँ रुकता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट। ये लोग जो लोग भगवान की बात करते हैं इस्तेमाल करता है राजनीति में, धर्म का कोई संबंध राजनीति से नहीं है।